सेल बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक सेंट्रियोल है। इससे पहले लेक्चर में हमने साइटोस्केलेटन की बात की और साइटोस्केलेटन की एक फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स को पढ़ा और हमने वहां ये देखा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लेजेला एंड बेसल बॉडीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल की ये ऑर्गेनेल जिसको हम सेंट्रियोल कह रहे हैं ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई है और इसके साथ सीलिया, फ्लेजेला और बेसल बॉडीज पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं सेंट्रियोल की तरफ। सेंट्रियोल इज ए नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल दैट फाउंड इन द एनिमल सेल, इन द प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट में प्रोटोजोन्स हैं, इसके अलावा एल्जी है और कुछ फंगस लाइक प्रोटिस्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड, उनके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। बट दे आर एबसेंट इन द प्लांट सेल्स एंड फंजाई, यानी प्लांट्स में और फंजाई में एबसेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कौन से सेल में ये प्रेजेंट है और कौन से सेल के अंदर ये एब्सेंट है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं और स्ट्रक्चर में इसके अंदर सबसे पहले हम सेल की में इसकी पोजीशन को देखते हैं कि एक्चुअल पोजीशन इनकी कहां पर है, इनकी लोकेशन कहां पर है। अगर हम सेल में देखें तो आप ये देखेंगे सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से बाहर इसके करीब यानी कि एक्सटीरियर बट नियर टू द न्यूक्लियस there is a pair of centriole which is present in the animal cell. तो centriole का एक pair present है और nucleus के करीब बाहर की तरफ present होता है। और एक बात याद रखनी है कि इसकी आपस में arrangement किस तरह से है दोनों centriole की यानी पूरे pair की, they are present at right angle to each other. जैसा कि हमने इसकी location भी यहाँ पे show की हुई है कि ये right angle में एक दूसरे के साथ present है। अब जिस जगह पर cytoplasm में ये present है वहां पर एक स्पेसिफिक रीजन होता है एंड दैट रीजन इज कॉल्ड द सेंट्रोसोम। यानी जैसा कि हमने इससे पहले बात की कि नॉन मेम्ब्रेनस है, इनमें मेम्ब्रेन तो नहीं होती लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन या आप कह सकते हैं कि एक स्टेनिंग रीजन होता है जहां पर ये प्रेजेंट है और उस रीजन को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रियोल इज ऑर्गेनेल व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर एंड द रीजन वेयर दे आर लोकेटेड दैट रीजन इज कॉल्ड द सेंट्रोसोम। अब हम अगर इसके क्रॉस सेक्शन की तरफ देखें कि क्रॉस सेक्शन में इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है, तो ये याद रखना है कि इनके अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का ट्रिपलेट प्रेजेंट होता है। यहां पे हमने लिखा है 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है कि यहां जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो तो 9 है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, लेकिन हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है जैसा कि हमने यहां पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल शो की हुई है, हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में मिल रही है। ये एक ट्रिपलेट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। तो इसका मतलब है 9 ट्रिपलेट है और माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट। तो अब इसमें टोटल ट्यूब्यूल कितनी हुई, अगर हम टोटल ट्यूब्यूल की बात करें तो 9 × 3 तो टोटल जो ट्यूब्यूल है वो 27 है इसके अंदर, क्योंकि हमें 9 ट्रिपलेट मिले, टोटल ट्यूब्यूल 27। ये तो हम एक सेंट्रियोल की बात करें, लेकिन सेल के अंदर आप जानते हैं 2 सेंट्रियोल, तो इसका मतलब है हर सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसका अगर हम टॉप व्यू देखें, टॉप टू बॉटम व्यू, तो हमें ये जो है व्यू टॉप टू बॉटम नजर आ रहा है और स्लाइड व्यू देखें तो हमें इस तरह से नजर आ रही है। तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर में हमने ये बात की कि इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी हैं और किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपने याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 है एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। अब जैसा कि मैंने आपसे बात की कि यहां पर तो हमने सेंट्रियोल को पढ़ा, लेकिन इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनेल्स या आप कह सकते हैं कि सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जिनमें भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। जैसा कि हम आते हैं सीलिया और फ्लेजेला की तरफ। सीलिया एंड फ्लेजेला बोथ आर द लोकोमोटरी ऑर्गन। फ्लेजेला ये लॉन्गर होते हैं, सीलिया जो है उनका साइज शॉर्ट होता है लेकिन ज्यादा तादाद में होते हैं। इन दोनों के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरह से प्रेजेंट है, हमने इसको कंपेयर करना है सेंट्रियोल के साथ। यहां पर जो हमें अरेंजमेंट नजर आ रही है माइक्रोट्यूब्यूल की, दैट इज द 9+2 अरेंजमेंट। अब 9+2 अरेंजमेंट में किस तरह से, यहां पर आपको ये जो ब्लू कलर में हमने शो की हुई है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 and 9। लेकिन यहां आप नोट करें कि यहां पर जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है बल्कि वो डुप्लेट हैं। तो एक ही डिफरेंस, जैसा कि यहां हमने मेंशन किया है कि 9 जो है वो डुप्लेट है एंड दीज आर कॉल्ड द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये मार्जिन पे प्रेजेंट है इस वजह से इनको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहा है। अब इसके बाद सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट है 1 and 2, ये सिंगल है, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ डुप्लेट, ये डुप्लेट की फॉर्म में नहीं। सो 2 सिंगल सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एंड 9 डुप्लेट्स ऑफ द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो जिस वजह से इसकी अरेंजमेंट बन गई 9+2 अरेंजमेंट, तो याद है। लेकिन यहां पर अगर हम अरेंजमेंट को देखें तो यहां जो यहां अरेंजमेंट हमें मिलेगी माइक्रोट्यूब्यूल की वो 9+0 होगी। एक तो याद रखना 9+0 क्योंकि इसके दरमियान में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, और दूसरा फर्क यह है कि यहां पर 9 जो होते हैं वो डुप्लेट की बजाय ट्रिपलेट होते हैं। सो हमें डिफरेंस यहां पर क्या मिला, माइक्रोट्यूब्यूल्स में 9+0 अरेंजमेंट, 9 ट्रिपलेट, सीलिया और फ्लेजेला के अंदर 9+2 अरेंजमेंट, 9 डुप्लेट विच आर द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद जब हम डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे सीलिया और फ्लेजेला का कि किस तरह से लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, तो वहां हम इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी देखेंगे कि कैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन आएगी और वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करेंगे। अब एक और स्ट्रक्चर जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, 3 की हमने यहां पे बात कर ली है, सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लेजेला। एक और स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, दैट इज द बेसल बॉडी, वो बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल्स की क्या अरेंजमेंट है, दैट इज सिमिलर टू द सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल की तरह की अरेंजमेंट होती है और इसको भी हम 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। यानी सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में 9+0, सीलिया और फ्लेजेला के अंदर 9+2। अब बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में सेम अरेंजमेंट क्यों है, क्योंकि बेसल बॉडी से होती हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम द सेंट्रियोल, वो सेंट्रियोल से ही बनती हैं। इस पे हम बात करते हैं कि किस तरह से सेंट्रियोल से बनती है। फॉर एग्जाम्पल बेसल बॉडी को हम देखें कि ये होती क्या है बेसल बॉडी। यहां हम एक ऑर्गेनिज्म को अगर ड्रॉ करें, लाइक दिस इज द यूग्लिना, और यूग्लिना में फ्लेजेला होता है, लाइक दिस इज अ फ्लेजेला। अब फ्लेजेला साइटोप्लास्ट में जिस जगह से अराइज हुआ है, दिस इज कॉल्ड द बेसल बॉडी, इसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। सो इट मींस फ्लेजेला और अराइज फ्रॉम द बेसल बॉडीज इन साइटोप्लास्ट, यानी साइटोप्लास्ट के अंदर ये बेसल बॉडी, यहां से फ्लेजेला अराइज होते हैं। इसी तरह से सीलिया भी बेसल बॉडी से अराइज होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि बेसल बॉडी कहां से बनती है, तो बेसल बॉडीज जो होती हैं वो सेंट्रियोल से बनती हैं, ये यानी सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बनती हैं, एंड देन बेसल बॉडीज दे आर यूज्ड टू फॉर्म वेरियस स्ट्रक्चर लाइक द सीलिया एंड फ्लेजेला। इस वजह से बेसल बॉडी और सेंट्रियोल की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है वो सेम होती है। अब अगर हम ये देखें, ये तो जितने भी हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे यूकेरियोट्स में हमने पढ़े हैं, कि यूग्लिना भी यूकेरियोट्स हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जो फ्लेजेला है वो तो बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मूव करते हैं फ्लेजेला की मदद से। तो क्या बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लेजेला है उसकी जो कंपोजिशन है या उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू द फ्लेजेला ऑफ द यूकेरियोट्स, तो इसका आंसर है नो। जो बैक्टीरिया है उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, तो बैक्टीरिया के फ्लेजेला के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द फ्लैजेलिन प्रोटीन, बिकॉज देयर इज नो माइक्रोट्यूब्यूल इन द बैक्टीरियल सेल और द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये कंपेयर आपने करना है। फर्दर हम एक लेक्चर भी सेपरेट से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो फ्लेजेला है उनकी कंपोजिशन सेम नहीं है। यूकैरियोटिक फ्लेजेला माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, और हम ये जानते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल में जो प्रोटीन होती है उसको ट्यूबुलिन कहते हैं,
और जो प्रोकैरियोट का फ्लैजेला है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बनता है जिसको हम फ्लैजेलिन प्रोटीन कहते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला. तो ये तो जितनी भी स्ट्रक्चर्स थे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां किस तरह से प्रेजेंट है इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम बात करते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है सेंट्रियोल का, कि सेंट्रियोल के फंक्शन क्या है. जैसा कि सेंट्रियोल के फंक्शन बात की कि एक तो बेसल बॉडी बनाने में काम करते हैं, दूसरा इनका फंक्शन सेल डिवीजन का है. तो सेल डिवीजन में ये किस तरह से रोल प्ले करते हैं इस पे हम जो है वो डिटेल में बात करेंगे. अब देखें ये आपको एक जो सेल नजर आ रहा है, दिस सेल इज अ नॉन डिवाइडिंग सेल. ये अभी डिवाइड नहीं कर रहा. अब हमें कैसे पता चल रहा है कि ये डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि हमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन मटेरियल भी प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द क्रोमाटिन मटेरियल. लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन में क्या क्या चेंजेस आती हैं. सेल डिवीजन में एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, न्यूक्लियस नजर नहीं आता. तो हम ये सेल को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि सेल डिवाइडिंग फेज में या नॉन डिवाइडिंग फेज में, तो न्यूक्लियस अगर नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज डिवाइडिंग फेज में सॉरी. अब अगर न्यूक्लियस नजर आ रहा है इसका मतलब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में. और जो क्रोमाटिन मटीरियल है ये भी जब सेल डिवाइडिंग फेज में जाएगा तो ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा. और साथ ही जो सेंट्रियोल है ये किस तरह से रोल प्ले करेंगे. अब देखें सबसे पहले सेल डिवीजन में क्या क्या चेंजेस आएंगे. जैसे सेल डिवाइड करना शुरू करेगा सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट कर लेंगे, ये दो से चार सेंट्रियोल बन गए. तो इसका मतलब ये होगा कि डिवाइडिंग सेल के अंदर सेंट्रियोल के दो पेयर होंगे और नॉन डिवाइडिंग सेल में सेंट्रियोल का एक पेयर होगा, क्योंकि जैसे ही सेल डिवाइड करता है सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाते हैं. अब सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर रहे हैं और डुप्लीकेट करके ये ऑपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाएंगे और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी और जो क्रोमेटिक मटीरियल दैट विल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देगा. अब हम एक डायग्राम में देखते हैं कि सेल डिवीजन जब हो रही है तो फिर सेल में क्या क्या चेंजेस आएंगे. अब ये तो उसी तरह से एक सेल है. अब यहां सेंट्रियोल जो है डिवाइड करने के बाद ओपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं. अब जो क्रोमेटिक मटीरियल है क्रोमेटिक मटीरियल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द क्रोमोसोम, क्रोमेटिक मटीरियल ऑर्गेनाइज होगा और ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बना ले लाइक दिस. अब ये जो सेंट्रियोल है इन सेंट्रियोल से जो फाइबर्स है वो राइज होंगे और वो फाइबर्स भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होंगे जिनको हम स्पिंडल कहते हैं. फग्गर पर यहां से एक फाइबर राइज होगा, इधर से भी फाइबर राइज होगा और वो फाइबर जो है वो आपस में इंटर डिजिटेट कर जाएंगे लाइक दिस. एक तो ये फाइबर राइज होते हैं यहां से, दूसरे जो फाइबर राइज होते हैं वो क्रोमोसोम के साथ लिंक करते हैं और इसके सेंट्रोमियर से पास करते हैं लाइक दिस. ये दूसरी तरह के फाइबर्स. और तीसरी तरह के फाइबर्स भी यहां पे राइज होते हैं दैट रेडिएट आउटवर्ड, इस तरह से रेडिएट करते हैं. अब ये जो तीन फाइबर्स बनाई हैं, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. अब कौन कौन सी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, इनको हम कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स. और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोमेयर के जो है उसमें से पास कर रही है क्रोमोसोम के, इनको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं. काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स. और तीसरी फॉर्म जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की है ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब इनमें से जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इन दोनों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पिंडल. स्पिंडल वर्ड यूज करते हैं हम इन दोनों के, लेकिन एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल में. स्पिंडल्स में दो फॉर्म है, एक वो है जो कि आपस में इंटरडिजिटेट कर गए और दूसरे जो सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है.
अब इनका क्या फंक्शन है डिटेल में जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां आपको याद रखना है कि एनिमल सेल के अंदर जो स्पिंडल राइज होते हैं वो सेंट्रियोल से राइज होते हैं एंड दे विल होल्ड द क्रोमोसोम एंड देन दे इंश्योर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम बिकॉज व्हेन स्पिंडल श्रिंक द क्रोमोसोम्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द डॉटर सेल्स. तो यहां सेल डिवीजन के अंदर सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब एनिमल सेल के अंदर तुम्हें पता चल गया और डिटेल में हमने आगे पढ़ना भी है कि किस तरह से सेल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन यहां सिर्फ आपने याद रखना है कि यहां से स्पिंडल राइज होते हैं और साथ एस्टर राइज होते हैं. अब इनके मल्टीपल फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स के, कि स्पिंडल किस तरह से काम करें, एस्टर किस तरह से काम करें, लेकिन उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में माइटोसिस में डिस्कस करेंगे. यहां सिर्फ आपने याद रखना है कि दे आर अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल. लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये तो एनिमल का सेल तो डिवाइड हो रहा है, सेंट्रल उसमें हेल्प कर रहे हैं, लेकिन प्लांट का सेल भी तो डिवाइड करता है, उसमें भी तो स्पिंडल बनते हैं, तो वहां तो सेंट्रियोल नहीं होता, तो किस तरह से उसमें स्पिंडल बनते हैं. तो एक बात याद रखनी है कि जो प्लांट का सेल है अगर हम उसको भी साथ इसके कंपेयर करें, अब प्लांट का सेल जब डिवाइड करता है दिस इज द सेल ऑफ प्लांट, प्लांट का सेल डिवाइड करता है, यस प्लांट के सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स बनते हैं, प्लांट के सेल के अंदर भी स्पिंडल्स बनेंगे और प्लांट के सेल में से स्पिंडल्स जो राइज होंगे बिल्कुल इसी तरह से ये भी राइज होंगे, ये भी राइज होंगे और ये भी राइज होंगे और ये भी, लेकिन एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल यहां नहीं होंगे. तो फिर यहां जिस जगह से स्पिंडल राइज हो रहे हैं ये क्या है अगर सेंट्रियोल नहीं है, तो याद रखना है दिस इज नॉट ए सेंट्रियोल बट दिस इज ए एनालोगस रीजन टू सेंट्रियोल. मींस कि ये सेंट्रियोल तो नहीं है लेकिन उस तरह का एक रीजन है, या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर बेसल प्रोटीन है, हम ये लिख सकते हैं देयर आर बेसल प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बट दे आर नॉट द सेंट्रियोल, द अरेंजमेंट इज नॉट एज द सेंट्रियोल, ये सिर्फ वहां पर कुछ प्रोटीन्स होती है वहां पड़े हैं एंड दे परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एज द सेंट्रियोल परफॉर्मिंग इन द एनिमल सेल. तो प्लांट के सेल के अंदर यहां पर एस्टर नहीं, तो यहां हम एक टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए, हम प्लांट के सेल के लिए हम टर्म यूज करते हैं एनेस्ट्रल एंड वी नो, और एनिमल के सेल के लिए हम यहां पर टर्म यूज करते हैं एम्फियस्ट्रल, एम्फियस्ट्रल क्योंकि इसमें दोनों तरफ एम्फी का मतलब ड्यूअल, दोनों तरफ एस्टर जो है वो प्रेजेंट. अब इन एस्टर का फंक्शन क्या होता है, इन एस्टर का फंक्शन जो होता है वो साइटोकाइनेसिस में हेल्प करना है, यानी जब सेल डिवाइड करता है न्यूक्लियस डिवाइड कर गया उसके बाद जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करना है तो उस एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल में रोल प्ले करना है. अब हमने एक लेक्चर में गोल्जी बॉडीज में यह पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडी साइटोकाइनेसिस का काम करती हैं, और क्यों प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडी साइटोकाइनेसिस करती हैं, तो यहां उसका आंसर भी मिल गया क्योंकि यहां पर एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते. एनिमल्स के अंदर तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल साइटोकाइनेसिस करेंगे लेकिन प्लांट्स के अंदर क्योंकि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है सो गोल्जी बॉडीज जो है वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने में रोल प्ले करेंगी.